नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। दोस्तों, संतरा तो सब खाते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा फल होता है। संतरा खाने में फायदेमंद होता ही है, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि इसके छिलके कितने फायदेमंद होते हैं? संतरा शीतकाल में होने वाला एक स्वादिष्ट खट्टा मीठा फल है। इसको बड़े बूढ़े और छोटे बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन इसके छिलके फेंक देते हैं। अगर इसके छिलके के फायदे के बारे में आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम संतरा के छिलके से होने वाले फायदे के बारे में ही बात करेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग संतरे को खाने के बाद इसके छिलके कचरे में फेंक देते हैं, इसे कचरा समझते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी हमारे पास नहीं होती, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन एक बार इसके छिलके के फायदे जान गए तो इसको कभी भी आप नहीं फेंकेंगे। ये छिलके त्वचा और बालों के लिए बेहद कारगर होता है। संतरा के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, जो त्वचा और बालों के लिए बेहद लाभकारी होता है। इसके फायदे लेने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस छिलके को इकट्ठा करके साव में सुखा लेना है और पाउडर बनाकर रख लेना है। इस छिलके के पाउडर को अगर आप शहद के साथ मिलाकर रोजाना चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरा निखर जाता है। अगर आप चेहरे पर के किल मुहासे से परेशान हैं तो इसका पाउडर का इस्तेमाल करें। इस पाउडर को गुलाब जल के साथ मिलाकर पेस्ट बनाकर अगर चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरा निखर जाता है और किल मुहासे नष्ट हो जाएंगे। संतरे के छिलके को कच्चे दूध के साथ मिलाकर एक लेप तैयार करें और इसे रोजाना आँखों के नीचे मालिश करें और रगड़ते रहे। कुछ दिनों तक लगातार ये करने से आंखों के नीचे जो काले धब्बे हो जाते हैं ये दूर हो जाएंगे। दोस्तों, संतरे के छिलके को नहाते वक्त साबुन की तरह इस्तेमाल करने से मैल पूरी तरह साफ हो जाता है और त्वचा निखर जाती है तथा मुलायम बनती है। ये छिलके न सिर्फ त्वचा के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये बालों को झड़ने से बचाता है और बालों की चमक बढ़ाता है। इस प्रयोग से बालों में जो रूसी होती है ये खत्म हो जाएगी और बालों की जड़ें मजबूत बनेगी तथा बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। अगर आपके आसपास में मच्छर बढ़ गए हो, आप मच्छरों से परेशान हो, तो संतरे के छिलके को इकट्ठा करके चलाएं। इसके धुएं से मच्छर भाग जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप मच्छरों के काटने से बचना चाहते हैं तो इसके छिलकों को अच्छी तरह त्वचा पर रगड़ें। ऐसा करने से आपकी आसपास में मच्छर नहीं आएंगे और मच्छरों के काटने से आप आसानी से बच जाएंगे। दोस्तों, दांतों को मजबूत करने के लिए भी संतरा बहुत उपयोगी है। इसके लिए संतरा के छिलके के पाउडर के साथ सेंधा नमक, फिटकरी और आम की गुठली को जलाकर इसका पाउडर बनाकर साथ में मिला लें। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके रोजाना इससे मंजन करने से हिलते हुए दांत भी मजबूत बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।